हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे जेम पोर्टल पर कैसे हम एक बिड को या आरए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये जेम ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है बायर की हेल्प के लिए। अभी तक क्या होता था, जैसा इसमें बताया वो भी है कि अभी जो भी बिड है वो एक ही सेम पर्सन ड्राफ्ट करेगा, पब्लिश करेगा, एवेल्यूएट करेगा, फाइनलाइज करेगा। पर हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं हो, एक ज़रूरत पड़े कि कोई सिंगल पर्सन ड्राफ्ट करे, कोई पब्लिश करे, कोई इवेल्यूएट करे। तो अभी क्या है कि इन्होंने नया प्रोविज़न कराया है, उसमें क्या है कि एक सेकेंडरी जो बायर है या जो एचओडी है वो क्या कर सकता है, एक बिड को एक सेकेंडरी बायर से दूसरे सेकेंडरी बायर में ट्रांसफ़र कर सकता है। बिल्कुल सिंपल है, जो भी आपके बिड है आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो भी लिस्ट ऑफ बिड्स है उसमें जाना है। हम लोगों ने जेम का ही स्क्रीनशॉट, जो जेम का मैनुअल दिया है उसी का ही है। उसमें सिंपल प्रोसेस है कि आपकी जो भी बिड है उसमें एक ऑप्शन आने लगेगा, अब ट्रांसफ़र ऑफ बिड और आ रहे, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपको बस जिसको ट्रांसफ़र करना है उसका यूजर नेम, ये मतलब अंडर सेम एचओडी होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि इसमें आपको रीजन भी डाल देना है ताकि रेफरेंस पता रहे। ओब्वियसली आपका इंटर्न डिपार्टमेंटल अप्रूवल होगा तभी आप, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर अप्रूवल होगा तभी आप करेंगे, अदरवाइज एग्री होंगे तभी। तो आपको यूजर आईडी डालना है, रिमार्क्स डालने हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसे ही जो एचओडी है उनके पास ऊपर ऑप्शन आएगा ट्रांसफ़र ऑफ बिड उनके डैशबोर्ड के पास, और जैसे ही उनको बिड नंबर डालना है और उनके पास जैसे बिड नंबर डालेंगे तो डिटेल आ जाएगी और उस हिसाब से वो उसको जिसको भी यूजर आईडी को ट्रांसफ़र करना चाहिए यहाँ लिस्ट आ जाएगी और जिसको वो भेजना चाहते हैं वो उसको भेज सकते हैं। और इसकी हिस्ट्री भी जनरेट होगी, बिड और आरए ट्रांसफ़र हिस्ट्री भी। आई होप आपको समझ में आएगा। ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि अब तक अवेलेबल नहीं था, और इसने बहुत सारी, ये तब तक ही पॉसिबल है जब तक आपने बिड अवार्ड नहीं करी, बिड अवार्ड करने के बाद ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज़ फीचर समझ में आया होगा। बायर्स इसका यूज कर सकते हैं और धीरे धीरे जब आप यूज करेंगे तो ज़रूरत के हिसाब से, तो आपके लिए ये मतलब आप इसको कैसे यूज करेंगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। थैंक यू वेरी मच।